बाधा में मैंने कभी किताब लिखी नहीं थी, तो मुझे किताब लिखना नहीं आता था। सबने कहा ये तो किताब जाएगी तो लोग कहेंगे कि आपने तो अपनी तारीफ कर ली है कि आप कह रहे हो हम डायनेमिक डीएम है। इस देश में पीएम, सीएम और डीएम तीन जो पोस्ट है वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत बड़ा चैलेंज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो डायनेमिक डीएम की जो बुक है, ये देखिए ये बुक है, ठीक है, और ये करीब 2.5 महीने से बेस्ट सेलर चल रही है। मतलब ये है कि इस किताब को लोग, ये किताब नहीं खरीद रहे हैं, 3-4-50-50 किताब तो खरीदी होगी 500 लोगों ने। हर आदमी पानी की समस्या से जूझ रहा है, हर आदमी बेरोजगारी से जूझ रहा है, हर आदमी घर के आय से जूझ रहा है, हर आदमी पढ़ाई से जूझ रहा है। तो ये किताब सामाजिक समस्याओं का समाधान बताता है। अच्छी चीज की खुशबू भी अच्छी तरह जल्दी फैलता है, ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं डिफिकल्ट है। मैं हूं गौरव गर्ग और आज हमारे साथ हैं डायनेमिक डीएम के ऑथर श्री हीरालाल जी। इन्होंने अपनी बुक में अपनी आईएएस की जर्नी कैसी रही, क्या कठिनाइयां रही के बारे में बात करी है, प्लस जो जो स्कीम्स उन्होंने अपने टेन्योर एज ए डीएम बांदा में इम्प्लीमेंट करी उसके बारे में बात करी। कुछ स्कीम्स जो उन्होंने बांदा में इम्प्लीमेंट करी अपने टेन्योर में, जैसे कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति, जेल सुधार, पेट जियाओ अभियान, योग रखे निरोग्य, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, किसान समृद्धि, प्लास्टिक मुक्त बांदा, ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि इन्होंने अपने टाइम में बांदा में इम्प्लीमेंट करी और काफ़ी चर्चा में रही। आइए वेलकम करते हैं श्री हीरालाल जी को अपने शो पे। वेलकम सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग टू टॉक ओवर हियर। आपकी जो बुक है डायनेमिक डीएम काफ़ी चर्चा में है, क्या आप अपने बुक के बारे में अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे और इसकी इतनी चर्चा की वजह क्या है, ये प्लीज़ आप बताइए। देखिए हमारी जो डायनेमिक डीएम की जो बुक है, ये देखिए ये बुक है, ठीक है, और ये करीब 2.5 महीने से बेस्ट सेलर चल रही है। जब हमने किताब लिखी थी तो मुझे खुद ही नहीं अंदाजा था कि ये बेस्ट सेलर होगी और इतना लंबा सस्टेन कर जाएगी है ये बेस्ट सेलर, क्योंकि प्रकाशक जो इसके प्रभात प्रकाशन जो है वो लोग भी बड़े इसको लेके उत्साहित है कि ये बहुत लंबा बेस्ट सेलर चल गया और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। देखिए इस देश में पीएम, सीएम और डीएम तीन जो पोस्ट है वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत बड़ा चैलेंज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं केवल पॉजिटिव ही है, निगेटिव ये है कि चैलेंज है, और जो उस चैलेंज पे खड़ा नहीं उतरता है तो ये जनता उसे उतार देती है। हर आदमी इन तीनों के बारे में डिटेल से जानना चाहता है, उत्सुकता रहती है। तो डायनेमिक डीएम किताब, डीएम क्या है, उसको क्या पावर है, क्या करता है, इसके बारे में बताता है, सबूत सहित बताता है। तो ये पॉपुलर होने का मुख्य कारण ये है कि ये किताब डीएम के बारे में सबूत सहित बताता है और लोगों के बीच इसकी मांग है, लोग डीएम को जानना चाहते हैं, वो जानकारी ये किताब सप्लाई कर रही है, इसलिए ये पॉपुलर है। और जो शासन है, सुशासन है, उसकी जिम्मेदारी आमतौर पे कहा जाए तो पीएम, सीएम, डीएम की है, और सुशासन का जो सबसे छोटा यूनिट है वो परिवार है। हम परिवार में भी गवर्नेंस करते हैं, अगर परिवार का गवर्नेंस गुड गवर्नेंस हो जाए तो वो परिवार धनी हो जाएगा, उस परिवार की खुशहाली बढ़ जाएगी, उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। तो पीएम, सीएम, डीएम के अलावा परिवार के लिए भी ये बुक उपयोगी है, और परिवार में हम लोग रहते हैं तो हर व्यक्ति के लिए ये किताब उपयोगी है। बेसिक बात यह है किताब की। तो आपने अपनी किताब में अपने आईएएस बनने के सफर के बारे में भी कुछ चर्चा करी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा आपका सफर रहा, क्या क्या कठिनाइयां आपको रही जब आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं 4-1 लाइनर है, और इस 4 लाइन से मैं जवाब देना चाहूंगा, और ये उसी जो चैप्टर 1 है कठिनाई है उसी को समप किया है नजरे आलम बांदवी साहब ने। मिट्टी के घर में मिट्टी का दिया जला रहा था मैं, मिट्टी के घर में, मेरा घर मिट्टी का था,
और उस समय जब हम पढ़ाई करते थे तो जो ये दवाई वाई की शीशी होती थी उसी में ऊपर से छेद करके मिट्टी का तेल डाल के वो उसी में पढ़ाई कर रहे थे। मिट्टी के घर में मिट्टी का दिया जला रहा था मैं, जीता था अपनी आंखों में सपने सजा के मैं, जीता था अपनी आंखों में सपने सजा के मैं, दुश्वारियों की आग थी और जल रहा था मैं, मुश्किल भरी राह थी मगर चल रहा था। तो चैप्टर एक का जो आप पूछना चाहते हैं उसका ये सार है। और बहुत बढ़िया हमारे एक मादा में नजर आलम साहब हैं, हमने हर चैप्टर में उनके उनसे चार लाइनर लिखवाया है, उनका नाम डाला है, उनसे हमने कहा ये चैप्टर एक का चार लाइनर तो बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। मिट्टी के घर में मिट्टी का दिया जला रहा था मैं, जीता था अपनी आंखों में सपने सजा के मैं, दुश्वारियों की आग थी और जल रहा था मैं, मुश्किल भरी राह मगर चल रहा था। तो ये है कहानी, मेरा मिट्टी का घर था, कोई बताने वाला नहीं था, दिक्कत थी, कुएं के पानी से पानी पीता था, दोपहर में जब गर्मी होती थी तो मेरे घर के पीछे बड़े बड़े आम के पेड़ थे, उसके नीचे दोपहरिया में चारपाई पे बिताते थे, उस समय वो कूलर एसी का काम करता था। गांव में बड़ा तालाब था, तालाब में हम पूरे गांव के बच्चे सभी लोग उसी में दो दो घंटा डूबे रहते थे। आज की हालत अगर उस गांव में हमारा उस तालाब में मेरा पैर पड़ जाए तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। उस समय मेरी बॉडी इतनी इम्यून थी, आने जाने के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर आना जाना, 10 किलो का बस्ता ले जाना, बोरा ले जाना, कोई बताने वाला नहीं, कोई सपना नहीं था, बस पढ़ना है। और पढ़ना क्यों है, एक नौकरी के लिए। उस समय कोई बहुत कक्षा 5 तक सपने नहीं थे, और ना केवल पढ़ना था और पढ़ना क्यों था, नौकरी के लिए, वो भी कि भाई पढ़ लोगे तो नौकरी मिल जाएगी। तो दुश्वारियों पे और कठिनाइयों पे ये चार लाइनर मैंने जो आपको बताया बहुत सटीक है ये। तो आपका सफर, आपने पूरा सफर एक लाइन में आपने पिरो दिया कि मट्टी का घर था और दिया जला रहा था मैं। तो आपको एक कब सूझा कि मेरे को अपनी जो कार्य शैली है वो एक बुक में कन्वर्ट करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई एक अच्छा डीएम बनना कैसा होता है। देखिए, जब मैं बांदा में था तो वहीं मैंने, लोगों ने मुझे बताया कि कुछ इसके लिए लोग, जब हम लोगों ने काम करना वहाँ शुरू किया, प्रयोग करते थे, वहाँ काफ़ी लोगों की मांग थी कि हमें बताइए क्या है कैसे है, तो बताने के लिए हम लोग क्या करते थे, क्या करें, तो रिपोर्ट बना भेज देते थे तो उसमें फोटो नहीं होता था, तो हमने वहाँ एक बुकलेट बनवाई इनोवेटिव बांदा, और उसका एक फॉर्मेट था, प्रोग्राम के बारे में बताते थे, उसके 2-4 फोटो लगाते थे और उसमें जो है कुछ पेपर कटिंग लगाते, इसी फॉर्मेट पे सारे प्रोग्राम को करीब वो 60 पेज का बना। फिर वहाँ लोगों ने मुझे ये बताया, हमारे एक मित्र हैं देवाशीष दासगुप्ता, वो IIM में प्रोफेसर है मार्केटिंग के लखनऊ में, उन्होंने कहा कि साहब अभी जब आप हट जाओगे यहाँ से तो ये सब बुकलेट और ये जो है आपका सब खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको इस पर एक किताब लिखनी चाहिए। तो वहाँ से ये आइडिया आया और लोगों ने सजेस्ट किया कि किताब लिख देंगे तो हटने के बाद भी यहाँ से वो जिंदा रहेगा, अदरवाइज हटने के 2-3 महीना बाद आप ही को नहीं याद रहेगा कि आपने क्या किया था और कैसे कैसे किया था। तो वहाँ से ये आइडिया आया किताब लिखने का और बड़ा ही अच्छा रहा। तो अपने बिजी शेड्यूल में किताब लिखने का टाइम आप कैसे निकालते थे, क्या आपका बेसिकली दिनचर्या रहता था जब आपने किताब लिखना चालू किया? देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये किताब जब तक हम बांदा में थे तो वहाँ केवल आइडिया डेवलप हुआ, और बांदा में मैंने कभी किताब लिखी नहीं थी तो मुझे किताब लिखना नहीं आता था। मैं डिंग मारूं मैं IAS हूँ, मुझे आता था, मुझे नहीं आता था तो नहीं आता था, और मेरा कोई अनुभव नहीं था, मुझे लगता था ये बहुत कठिन काम हो, इससे कोई कठिन काम ही नहीं है, जो काम ना करो कठिन लगता है। तो हमने घोस्ट राइटर शुरू किया ढूंढना वहाँ जब बांदा में थे, तो फिर किसी को पेमेंट भी कर दिया, उन्होंने 2 चैप्टर लिखा, फिर मैंने अपने देवाशीष दास गुप्ता साहब को भेजा कि देखिए ये सही डायरेक्शन में किताब लिख रही है, लिखी जा रही है, नहीं तो वो सही डायरेक्शन नहीं था, वो फिर बात खत्म हो गई, वो पैसा जो हमने दिया था उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन सीड पड़ चुका था दिमाग में कि किताब लिखी जाएगी। फिर मैं वहाँ से हटा, कोरोना का जो है काल आ गया, इसी में फिर मैंने ट्राई किया बहुत लोगों को कि कोई है जो घोस्ट राइटर लिख दे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था तो मैं पेमेंट बेसिस पे घोस्ट राइटर ढूंढ रहा था।
वो भी काफी प्रयास के बाद वो भी सफल नहीं हुआ। इसी बीच हमारे एक मित्र हैं उमा शंकर यादव, वो अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल चलाते हैं, उनसे मैंने अपनी बात रखी कि आप लिटरेचर है फेस्टिवल है, उन्होंने मुझे अहमदाबाद बुलाया भी है और मुझे ये किताब लिखनी है। वो भी दो तीन महीना प्रयास करते, एक मैडम कुमुद वर्मा है, प्रोफेसर संजय वर्मा IIM अहमदाबाद में है, उन्हीं की वो वाइफ है और उन्होंने तीन चार किताब लिखा। तो उमा शंकर यादव जी ने उनसे बात किया कि आप ये किताब लिख दीजिए और आप, तो जब मैडम ने किताब लिखना शुरू किया तो उन्होंने उसकी फ्रेमिंग कर दी, ठीक, वो मेरे इस किताब की को आथर भी हैं। तो जब उन्होंने फ्रेमिंग कर दी और ये किताब का जो मटेरियल था वो उसमें सेट कर रही थी, क्योंकि सारा कुछ मेरे दिमाग में है कि हमने क्या किया कैसे किया, तो फिर वो किताब में मजा नहीं आया। तो ये हुआ कि हम दोनों लिख के मिले, तो उन्होंने उसका फ्रेम बनाया और फिर उसमें जो मटेरियल है उसमें कौन फोटो कहाँ लगेगा, कौन सबूत कहाँ लगेगा, सीक्वेंसिंग क्या होगी, वो मैंने फिट किया। तो इस तरह से ये किताब शेप में आई। चूंकि कोरोना पीरियड में हमें लिखने की पढ़ने की फुर्सत मिल गई तो उसका उपयोग किताब लिखने में हो गया, ये कहानी है। इसलिए समय एज ए कलेक्टर बांधा हमने, ये मतलब वो संभव नहीं था टू बी वेरी फ्रेंड। तो ये कोरोना पीरियड के समय का जो हमें मौका मिला, आपदा में अवसर की बात कही जाए तो ये बहुत सटीक है, ये किताब आपदा में अवसर का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो डायनेमिक डीएम नाम फाइनल करने से पहले भी बहुत सारे नाम आपके दिमाग में आए, तो डायनेमिक डीएम ही आपने क्यों फाइनल किया इसमें किताब का नाम? ये मैं आपको बताऊं, पहले दिन से ही ये किताब डायनेमिक डीएम ही चली, पता नहीं कहां से नाम आया और वहीं से डायनेमिक डीएम ही चली। ये दूसरा नाम किसी ने बताया भी तो समझ में नहीं आया, ये मेरे गले उतरा ही नहीं, डायनेमिक डीएम से ही शुरुआत हुई। अच्छा, डायनेमिक डीएम से शुरुआत कैसे हुई, उसको मैंने चैप्टर 3 में शुरू ही किया है, क्योंकि जब ये किताब का नाम पढ़ा तो लोगों ने कहा, हमारे हित मित्र जो हमारे मेंटर हैं इसमें, सबने कहा ये तो किताब जाएगी तो लोग कहेंगे कि आपने तो अपनी तारीफ कर ली है कि आप कह रहे हो हम डायनेमिक डीएम हैं। तो हमने चैप्टर 3 की शुरुआत इसी से की है कि इस किताब का नाम डायनेमिक डीएम ही क्यों, और इसका बाकायदे मैंने सबूत प्रस्तुत किया है। और सही बात यह है, डायनेमिक डीएम का किताब का नाम उसी वेबसाइट जो बुंदेलखंड न्यूज ने 8 मिनट 8 सेकंड का वीडियो बनाया था, उसकी हेडिंग थी डायनेमिक डीएम, वहीं से मैंने ये नाम उठाया है। और ये डायनेमिक डीएम मेरा नाम नहीं है, बुंदेलखंड के न्यूज के लोगों के द्वारा ये क्वाइन किया गया है, उछाला गया है और जनता ने इसे नाम दिया, तो ये जनता के द्वारा दिया गया नाम है। बहुत सारे लोगों ने आपकी किताब पढ़ी है, तो सबसे बेस्ट कमेंट जो आपको मिला हो अपनी किताब के लिए वो क्या है? मैं तो ये देखता हूँ कि रोज ही बेस्ट कमेंट आते हैं, मैं किसको बेस्ट कहूँ। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी मुझसे मिलता है, जो मेरे ट्विटर को देखता है, वो सब भी इंजॉय कर रहे हैं, अरे सर आपकी किताब तो वो हीरो को मिल गई, आपकी किताब तो वो एक कल जैसे मेरे पास एक कमेंट आया कि साहब मैंने आप 4 किताब खरीदी, एक किताब मेरा बेटा तैयारी करता सिविल सर्विसेज तो उसको दी और 3 किताब मैंने अपने दोस्तों को दी। मतलब ये है कि इस किताब को लोग एक किताब नहीं खरीद रहे हैं, 3, 4, 50 किताब तो खरीदी होगी 500 लोगों ने, और लोग बांट रहे हैं, बांटने के बाद उस पर अपना कमेंट लिख रहे हैं और फिर मुझे उसको भेज रहे हैं, तो मैं उसी को बिल्कुल वो जो भी लिखते हैं मैं रीशेयर कर देता हूँ उसमें। अगर किसी ने, जैसे एक प्रोफेसर है, उन्होंने अपने 3 बच्चों को किताब दी और उन्होंने लिखा कि बच्चा गैंग को किताब पढ़ते हुए, मतलब माँ अपने बच्चों के, बच्चा गैंग कुछ नटोरियस गैंग किताब पढ़ते हुए छोटे छोटे बच्चों, मैंने वही डाल दिया, वो मजा ले रही थी मदर बच्चों से, उनके मदर को भी बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से जो अगर आप कमेंट की बात करें तो मुझे बहुत बढ़िया कमेंट आए, कुछ एकाध दो कमेंट आए शुरुआती दौर में, अकाद लोग जलने वाले लोग तो हर जगह होते हैं, उन्होंने लिखा कि आप अपना प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने कहा भैया हम प्रचार नहीं कर रहे, मेरा चैप्टर नंबर 3 पढ़ो। 2-3 कमेंट के अलावा, अगर मान लीजिए 10,000 कमेंट आए तो केवल 2 कमेंट निगेटिव आए थे और बकिया का टोटल पॉजिटिव कमेंट आया और सब उसको पढ़ के इंजॉय कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कमेंट पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सबको पानी की समस्या, हर आदमी पानी की समस्या से जूझ रहा है, हर आदमी बेरोजगारी से जूझ रहा है, हर आदमी
घर के आय से जूझ रहा है, हर आदमी पढ़ाई से जूझ रहा है, तो ये किताब सामाजिक समस्याओं का समाधान बताता है। इसीलिए सबके लिए ये दवा है। हर आदमी समस्याओं से उलझा हुआ है, तो उन समस्याओं का चूंकि ये समाधान बताता है इसलिए सबको मजा, पढ़ने में मजा आता है और हमें अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं और वो कमेंट पढ़ के मेरी भी ऊर्जा बढ़ती है। तो इन पानी की समस्या और समाधान, यू हैव सेड दैट मैं लोग के दिल दिमाग सोच में कुआ तालाब नदी खोदना चाहता हूँ, तो हाउ फार डिड यू सक्सीड इन योर स्टेटमेंट एंड व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ द बिलीवर्स? मैं आपको बता दूं, इसी स्टेटमेंट ने तो मुझे 8 अवार्ड दिला दिया। एक बात, इतना अच्छा काम हुआ, 8 अवार्ड मिला, ठीक है ना। और पानी का पहला अवार्ड जो वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर सर हैं, वो सचिव थे भारत सरकार में स्वच्छता अभियान के, ड्रिंकिंग वाटर के, जो अभी नियुक्त हुए हैं सीईओ नीति आयोग के, उस सर ने पहला अवार्ड दिया था हम लोगों को। और मैं अवार्ड लेने नहीं गया था, मेरे जिले के लोग गए थे, प्रतिनिधि मेरे गए थे, ठीक है। 1 मीटर 34 सेंटीमीटर डीएम ने पानी नहीं बढ़ाया, जनता ने मिलकर पानी बढ़ा दिया, ठीक है। मेरी सोच क्या थी, ये जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं कि मैं लोगों के दिल दिमाग सोच में पानी पैदा करना चाहता हूँ, कुआं तालाब खोदना चाहता हूँ, मेरा मकसद ये था कि जब लोगों के सोच में, दिल और दिमाग में कुआं तालाब बस जाएगा, उसके प्रति उनको जानकारी हो जाएगी, उसकी वो चिंता करने लगेंगे, तो पानी अपने तो जमीन पे कुआं तालाब खोदेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको साफ सुथरा रखेंगे, पानी समस्या हल हो जाएगी। तो मैं फिजिकल कुआं तालाब खोलने पर मेरा पहला जोर नहीं था, पहला जोर था लोगों के दिल दिमाग सोच खून में कुआं तालाब खोद करके उनको समझाना कि यही चीज है, यही नेचुरल वाटर बॉडीज है, इसकी चिंता करो। ये थी फिलॉसफी ये सेंटेंस के पीछे। तो कई बार ये देखा गया है कि जब आप अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं तो ऐसी कोई भी चीज कई बार मिस हो जाती है घटनाएं, तो जब आप बुक लिख रहे थे कोई ऐसी घटना लिखते हुए याद आई जो कि बहुत सरप्राइजिंग थी, जब आपने देखा कि अच्छा ये भी हुआ था जब मैं ये चीज कर रहा था? देखिए मैं आपको बताऊं, मार्जिन ऑफ इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। इसका कोई, जब तक आप जिंदा रहे हो, ये छूट गया वो छूट गया, उसमें बहुत सारी चीजें छूट गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक आदत है, जो आदमी मुझे जो भी सलाह देता है या कोई एडवाइस देता, कोई राय देता, उसको मैं लागू करके अगर मुझे रिजल्ट मिलता है तो मैं उसको चोरी करके अपना नहीं बताता हूँ कि ये मेरा आइडिया है। मैंने इस किताब में जिसने जो कहा है, प्रशंसा गुप्ता के पानी की एडवाइस आई थी, मैंने उसका नाम लिखा। सैली शारदा टाइम्स ऑफ इंडिया की है, उन्होंने मुझे राय दिया था इसके बारे में, माय न्यूट्रिशन, मैंने उनका नाम लिखा। इसके बाद याद करके लिखते लिखने के बाद बहुत सारे नाम छूट गए हैं, तो जो नाम छूट गए हैं मैं सोचता हूँ वो नाम आना चाहिए, क्रेडिट मुझे नहीं उनको जाना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन फिर भी कुछ दो चार अच्छा नाम छूटे हैं, मैं अगले एडिशन में उसको ऐड करूंगा, तो ये मुझे लगता है। और घटनाएं तो बहुत हैं, किताब लिखने के पेज की सीमा होती है, ज्यादा आप लिख दोगे तो आदमी मोटी किताब नहीं पढ़ता, तो वो सब बैलेंस किताब ये बैलेंस है, दैट वे नंबर ऑफ पेज। हर बात हमने जो कही है उसका सबूत लगाया है, इसके पॉपुलरिटी लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है। आप कह दो हमने पानी बचाया, हम क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ी, चुनाव में 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, तो सबका सबूत लगा है, इसीलिए लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आपने स्टार्टअप और इनोवेशन के बारे में भी बात करी अपनी किताब में, तो अभी तक सबसे अच्छा इनोवेशन कौन सा लगा और आपने पब्लिक को कैसे मोटिवेट किया स्टार्टअप और इनोवेशन में पार्ट लेने के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं, जो स्टार्टअप इनोवेशन था ये 3 दिन का कार्यक्रम था और बांदा में था, ठीक है। तो लखनऊ में एक नेशनल लेवल का स्टार्टअप इनोवेशन का भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के टेक्नोलॉजी साइंस काउंसिल ने ऑर्गेनाइज कराया था, और उसी काउंसिल का हर जिले में जिला विज्ञान क्लब है, उसका जिला अधिकारी अध्यक्ष होता है और एक वहाँ का कोई साइंस का टीचर कोऑर्डिनेटर होता है। तो हमने जिला विज्ञान क्लब बांदा का, जिसका मैं अध्यक्ष था, उसी के मार्फत मैंने इसको ऑर्गेनाइज कराया।
इसको ऑर्गेनाइज कराने में क्रेडिट जाता है मिस्टर सनी कुमार को। देखिए मैं फिर क्रेडिट, सनी कुमार इसके सहायक कोऑर्डिनेटर हैं, जल निगम में मृतक आश्रित के बाबू हैं, लेकिन वो खूब इनोवेशन, तो वो मेरे को लाया, कहा साहब देखिए हमारे जनपद का जिला विज्ञान क्लब केंद्र के काम बहुत फेमस है और हम लोग, हमारा रैंक में अच्छा रैंक है लखनऊ में। तो उसका जो मैंने काम देखा था, हमने कहा यार वो जो स्टार्टअप इनोवेशन की समिट 3 दिन का लखनऊ में हुआ था उसको हम लोग यहाँ करते हैं। तो इसकी शुरुआत और इसका फाउंडेशन ले किसने किया? मैंने नहीं किया, किसने किया? सनी कुमार ने। और फिर हम लोग उसी की तर्ज पे, उसी क्योंकि पैसा वहां तो भारत सरकार से सब मिला, हमें कहीं पैसा किसी ने नहीं दिया, लखनऊ मतलब जिले में ही विभिन्न विभागों के कोऑर्डिनेशन से हमने किया। और हमारे 135 इनोवेटर आए पूरे देश से, और हम लोग 3 दिन में 28 तो सेशन किए, ठीक है, 80 स्टॉल पे दुकानें लगवाई हम लोगों ने, इसमें कई प्रोग्राम डाल दिए थे जिससे कि डाइवर्सिटी आए, कल्चरल एक्टिविटी, स्टॉल, इंफॉर्मेशन और सेशंस, ठीक है, और स्टार्टअप का फिजिकल प्रदर्शन। तो जब एक आदमी है ऐसा, वहां कुछ हुए नहीं, और हमने पूरे बुंदेलखंड के सारे जिला अधिकारी और पूरे देश में, तो एक नई चीज वहां के लिए थी, और जो भी लोग आया उसने कहा अच्छा ये भी हो सकता है, ये समस्या का समाधान ऐसा है, हमने तो कभी सोचा नहीं था। तो वो आइस ब्रेकिंग हमारा पहला प्रोग्राम था और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, और वहीं से जब वो पहला पसंद आ गया ना, तो फिर रुकने का तो कोई मतलब नहीं है। लोगों, बाधा के अधिकारियों, कर्मचारियों, आम आदमी जो एक बात थी ना, निराशा वाली मूड कि अरे यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ तो हम यहाँ पैदा ही हुए हैं अभाव में जीने के लिए, तो आप विकसित, वो सब टूट गया। सभी लोगों ने ये कहा, सभी लोगों की सोच बदल गई कि जो नोएडा, गाजियाबाद या लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में हो सकता, वो बाधा में उससे बेहतर हो सकता है। ये हमने जो निराशा का भाव था वो आशा में बदल दिया। तो आपकी बुक डायनेमिक डीएम में आपने एक लाइन बोली है, लोकतंत्र मजबूत करने का त्यौहार इलेक्शन है। तो एक तो ये लाइन मैंने कभी पहले सुनी नहीं, इसके बारे में एक तो मेरे को बताइए, और दूसरा आप अपना अनुभव बताइए लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में। देखिए जब ये हमारा स्टार्टअप इनोवेशन खत्म हुआ तो एक वहां एक माहौल बन गया, एक टीम बन गई, लोगों के अंदर एक मोमेंटम आ गया, कहते ना एक हुजूम चलने लगा, फिर तुरंत इलेक्शन आ गया। तो मैंने वो टोटल मोमेंटम को इलेक्शन में डाल दिया। इलेक्शन में लोकतंत्र, इलेक्शन में 3 चीज चाहिए, कोई खून खराबा ना हो, शांत प्रिय, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़े, दूसरा इंडिकेटर, और तीसरा वो उत्सव के माहौल में। तो हमने क्या किया कि वो जो मोमेंटम बना था तुरंत उसको हम लोगों ने इलेक्शन में डाइवर्ट किया, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था। तो हमने, देखिए कोई भी आप काम करिए, अगर आप तर्क देते हैं तो हर आदमी उसको समझता है, आपसे जुड़ता है और आपकी बात मानता है। तो 2 बूथ पे हमने वहां रिसर्च किया कि किस बूथ पे हाईएस्ट वोटिंग हुई थी। तो 2 बूथ पे पंचायत चुनाव में 90% से ज्यादा वोट हुआ था, एक जगह हुआ था 91 समथिंग, दूसरी जगह हुआ था 92 समथिंग, 92 point something। तो हमने कहा इसका मतलब अगर 2 बूथ पे 90% प्लस हो सकता है तो सारे बूथ पे हो सकता। तो हमने एक नारा दिया 90% प्लस हो मतदान, बाधा बने देश के साथ। तो हमने कहा कि इसी टैगलाइन को लेकर के कि भाई अगर 2 बूथ पे एक जगह 91% और दूसरी जगह 92% हुआ है तो सारे बूथ पे हमें यही करना है। और फिर उसकी प्लानिंग की, इनोवेटिव आइडिया लिया और सबको जोड़ा, धीरे धीरे वो एक उत्सव के माहौल में खड़ा कर दिया, लोगों की जो समस्याएं थी उसको सुना, उसको दूर किया, और होली दीपावली के माहौल में ये चुनाव हुआ। लोकसभा का चुनाव सबसे कठिन होता है और गर्मी मई तो बाधा तकता है, उसमें हमने हाईएस्ट 10.5% वोटिंग बढ़ाया। और जब 25 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने हमारे इस अभियान की खुल के तारीफ की, 2 मिनट पहले बोले फिर अपना भाषण शुरू किया, उन्हें कहीं से ये बात पता लग गई थी। तो ये उत्सव इस तरह से क्रिएट हुआ। आपने अपनी बुक डायनेमिक डीएम में कई स्कीमों के बारे में बात करी, जैसे कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति,
जेल सुधार, पेट जियाओ अभियान, योग रखे निरोग्य, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, किसान समृद्धि, प्लास्टिक मुक्त बांदा, ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आपने अपनी बुक्स में जिसके बारे में बात करी है। सो आपको कैसा लगा इसके बारे में लिखते हुए और आपको क्या अनुभव हुआ जब आप डायनेमिक डीएम बुक लिख रहे थे? देखिए, मैंने आपको बताया जैसे स्टार्टअप इनोवेशन ये कोई नई चीज तो थी नहीं। स्टार्टअप इनोवेशन जिला विज्ञान केंद्र का क्लब का काम ही यही है, भारत सरकार की एक स्कीम है स्टार्टअप इनोवेशन और साइंस को बढ़ाना। हमने उसको एक इनोवेटिव तरीके से बहुत लार्ज स्केल पे किया तो वो हिट हो गया। लोग पहले केवल कागजों पे करते थे या वो दिखावा करते थे। हम जो भी काम करते हैं दिल और दिमाग से करते हैं। हम पब्लिक सेक्टर में हैं, हम सरकारी तंत्र में हैं, लेकिन हम नौकरी प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा मेहनत से, ज्यादा लगाव से और ज्यादा ताकत से करते हैं। मतलब हम सरकारी तंत्र में नौकरी करते हैं लेकिन काम करते हैं प्राइवेट के तौर तरीके से तर्ज पर। हमारे जो है रिजल्ट पाने का यही कारण है। तो मैंने अभी दो पे तो हमारा आपका डिस्कशन हो ही गया कि हमने स्टार्टअप इनोवेशन कैसे किया, चुनाव कैसे किया, कुपोषण मैंने बताया कि सैलवी शारदा मैडम थी वो टाइम्स ऑफ इंडिया जब मैं जा रहा था जो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ कुपोषण 45% से ज़्यादा है और लोगों को पता नहीं। जब मैं गया तो पता किया, उन्होंने कहा मैंने न्यूज लिखी है और यूनिसेफ ने नरेनी ब्लॉक में इस पर पायलट किया है, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। मैं गया पता किया और पता में सब सही मिला। तो हमने कहा एक ब्लॉक में हुआ है, अब ये पूरे जनपद के 8 ब्लॉक में होगा, यूनिसेफ हमारा पार्टनर होगा। और फिर मैंने वही बीड़ा उठा लिया। ऑलरेडी जो पायलट एक ब्लॉक में हो करके वो खत्म हो गया था उसको हमने रिप्लीकेट किया, ठीक है। और यूनिसेफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमने पार्टनर बना लिया और फिर वो प्रयोग की रिजल्ट, इस प्रयोग का वो रिजल्ट आया कि नीति आयोग ने पेज नंबर 73 पे हमारे इस मॉडल को बेस्ट प्रैक्टिसेज में अंकित किया जिससे लोग पढ़े और रिप्लीकेट करें। तो यह है कुपोषण। जेल सुधार में किरण बेदी मैडम को हम सभी लोग जानते हैं तिहाड़ जेल का। जब मैं जेल में गया तो देखा सब निराश परेशान, तो मुझे आया अगर मैडम कर सकती हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो हमने वहां प्रयोग शुरू किया, बहुत सिंपल तरीके से किए कि सुबह योगा कराना शुरू कर दिया। हर बैरक में चार चार लोगों को वॉलंटियर लिया, उनको योगा सिखा दिया। अब वो जेल के कैदी हर बैरक में 4 बजे उठने लगे और वो योगा कराने लगे। अब आप 4 बजे उठो, 2 घंटा योगा करो तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया। फिर हम लोग वीकली कल्चरल एक्टिविटी कराने लगे। कैदी ही कल्चरल एक्टिविटी करते थे, कैदी देखते थे। समझिए कि उनको हमने 3 घंटे का एक पिक्चर दिखा दिया, वो इनर्जाइज हो गए सब, उसी में कोई तैयारी कर रहा। जो सफाई वाले थे जेल के सफाई में लगा दिया, जिसको खाने में रुचि थी खाने में लगा दिया, जिसको खेती में रुचि थी जेल के खेत फार्म हाउस में लगा दिया। वहां पहला जेल था कि हमने वहां क्या खोला, गौशाला खोला और जो गाय पालन में दुग्ध में थे उनको, इस तरह से मैंने सबको काम दे दिया और सबका प्रोडक्टिव टाइम होने लगा। उनकी समस्याएं जो थी उसके लिए स्पेशल जेल का एक अधिकारी, कैदी, उसके घर वाले, उसका वकील उसकी समस्याएं सुनता था और उसकी जो जेन्यून समस्याएं थी उसको सुन के हल कराता था जिससे कि वो जल्दी छूट जाए, अगर कहीं उसको फंसाया गया है तो उसको रिलीफ मिल जाए। इससे भी कैदियों में तो बहुत अच्छा, उसमें भी हम नंबर 1 आए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सबको योगा सिखाने लगे कि बीमार हो ही क्यों, बीमार नहीं होना चाहिए। किसानों के लिए काम किया, छात्रों के लिए, इस तरह से अब कितना मतलब बताएं, पूरा 18 महीने में 20-22 प्रयोग किए। और वो जब एक में सफलता मिली, फिर दूसरे मिली, फिर तीसरे मिली, वो फिर एक टेम्पो बन गया और धीरे धीरे पूरा बांधा एक प्लेटफार्म पे आ गया। सबको लगने लगा कि ये जिलाधिकारी मेहनत करते हैं, हमारे लिए जीते हैं, अपनी नींद हराम करते हैं। आज भी आप जरा पूछिए, सबको पता है, अगर आप मेरा नाम लेके पूछोगे सब कहेंगे बहुत मेहनत करते थे, समस्याओं से लड़ते थे, सबको साथ लेके चलते थे। वो जो बेसिक चीजें हैं उसी को मैंने ठीक किया, कोई नया जादूगरी नहीं की है। जब आपकी बुक पब्लिश हो गई और पहली कॉपी जब आपके हाथ में आई तो एक तो क्या आपकी फीलिंग थी और पहली कॉपी वो जो है वो कहाँ गई, किसने ली? देखिए, जो पहली जो भी ये किताब आई तो इसकी डमी आती है,
डमी बन, तो डमी आई फिर उसमें करेक्शन किया, फिर भेजा, फिर डमी आई फिर करेक्शन किया। तो इस तरह से ये इसकी जो डमी आती है तो वो फीलिंग तो होती नहीं है, तो हम जानते हैं। तो बेसिकली ये उस तरह से जो आप पूछना चाह रहे हो कि अचानक आई हो ये एक अच्छा फीलिंग, वो डमी से जो आपका क्वेश्चन है वो वाला चीज नहीं क्रिएट हुआ, वो सीन क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वो डमी आती है तो हमें लगता है कि ऐसे दिखेगा, ऐसे सेफ होगा, इतने पन्ने होंगे, फिर उसमें करेक्शन। तो वो चीज जो आप कहना चाह रहे हो डमी की वजह से वो फीलिंग नहीं क्रिएट हुई जो आप सुनना चाहते हो, और जो क्रिएट होता वो हुआ नहीं, वो सिचुएशन नहीं आई। चलिए इसको फिर मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। जब आपकी पहली कॉपी सेल हुई, एक तो कौन खरीदार था उस कॉपी का, और क्या स्पेशल फीलिंग थी जब आपकी पहली कॉपी पार्सल हुई उसको? नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये जो किताब था वो सेलिंग पॉइंट था प्रकाशक का, वो दिल्ली से चलता था, और इसके कई मोड थे, मतलब एक ऑनलाइन मोड था, और कुछ दो चार मतलब कुछ दिन बाद उन्होंने लखनऊ के दो तीन वर्क बांदा में रखवाया, लखनऊ में रखवाया। तो ये कह पाना कि कौन पहली कॉपी थी और कहां सेल हुई है मुझे पता नहीं है, तो वो फीलिंग में कैसे बताऊं। तो नेकी की दीवार, एज द नेम सजेस्ट, यू हैव टॉक्ड आल्सो अबाउट इट व्हेन तहसीलदार अभिषेक कुमार टोल्ड यू अबाउट इट, व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड हाउ इजी एंड डिफिकल्ट वाज इट टू इंप्लीमेंट इट? देखिये, मैं आपको बताऊं कि वो जो अवधेश निगम थे, हमारे तहसीलदार थे, तो वो नेकी की दीवार चला रहे, तो मैं तुम्हें आपको ये बताऊं, नेकी की दीवार कोई नया कॉन्सेप्ट बांदा का नहीं था, ये नेकी का दीवार विदेशों में कई कंट्री में चल रहा था, वहीं से उन्होंने उठाया और लागू किया। जब आए उन्होंने कहा तो मैं गया सदर तहसील, उनका नेकी का दीवार देखा तो मुझे बहुत इम्प्रेस हुआ, और वो जो मिस्टर अवधेश निगम है वो बहुत ही अच्छे अफसर हैं, अब वो प्रमोट हो गए, एसडीएम हो गए, फतेहपुर जनपद के बिंदकी तहसील में एसडीएम है, वन ऑफ द फाइनेस्ट अफसर, बहुत अच्छी सोच, अच्छा काम, अच्छा मतलब अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कह दूंगा कि वो आइडियल ऑफिसर है। मैं गया, देखा, मुझे अच्छा लगा, हमने कहा भाई अब ये हमारी जो चार तहसील और है वहां भी लागू करना है। हमने तुरंत चारों तहसीलदार से कहा बात करिए, मैंने मैसेज कराया चारों तहसीलदार अवधेश निगम से बात करें, जैसे अवधेश निगम जी ने ये काम किया हर तहसील में होना चाहिए, तो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि अवधेश निगम लागू कर चुके थे, उनको पता था, तो आपस में तो एक कंपटीशन भी हो गया, भाई अवधेश उनकी तहसील में तो हमारे में क्यों ना हो, तो बड़े आसानी से हो गया। बहुत अच्छी अच्छी चीज की खुशबू भी अच्छी जल्दी फैलता है, ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं डिफिकल्ट है। तो पहले कभी भी ये सोचा नहीं गया कि बांदा भी जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता, तो एक तो आपके दिमाग में कैसे आया कि भाई बांदा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए, और जब आपने बनाने की सोची तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? देखिए, ऐसा है कि मैं बांदा के लोगों की इनकम बढ़ाना चाहता था, कि लोगों की इनकम कैसे बढ़े, सामान्यतः ऐसा कोई डीएम नहीं सोचता, लेकिन मैं देखती सोचता, तो हम उनके इनकम बढ़ाने के वो सारे वहां इंडस्ट्री में लगवा नहीं सकता था, क्योंकि वहां इंडस्ट्री के दो छोटे छोटे लोकेशन पे इंडस्ट्री थी, लेकिन वो बहुत ही पुराना था आस्थान, और वहाँ बहुत कुछ इंडस्ट्री के नाम पे वो था, लेकिन था नहीं कुछ, और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वहाँ माहौल नहीं था, ना बढ़ सकता था। तो फिर मैंने खेती को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करने पे सोचा कि खेती को खेती व्यापार में बदल के लोगों की इनकम बढ़ाई जाए, क्योंकि बांदा का जो मूल आय का स्रोत है वो एग्रीकल्चर है, तो उस पर मैंने बहुत सारे काम किए। एक बार दूसरी बात जो आप ये कह रहे हो कि पर्यटन भी एक आय बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है, तो वहाँ एक कालिंजर फोर्ट बहुत फेमस है, लेकिन उसको पर्यटन से जोड़ के नहीं, वहाँ टूरिस्ट आते हैं, सारी बातें होती है, लेकिन वैसा है वो, उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने एक समिति बनाई, कालिंजर पर्यटन समिति, उसका मैं अध्यक्ष बना, और फिर उसको डेवलप करने पर मैंने सारे वो काम किए, टूरिस्ट विभाग को जोड़ना। अब अगर मान लीजिए कोई टूरिस्ट आएगा तो अकेले केवल जो है वो कालिंजर के लिए नहीं आएगा, तो फिर हमने सर्किट बनाने की, अगर आए तो कालिंजर भी देखे, तो बगल में जो है चित्रकूट धाम भी देखे, तो बगल में आगे जा करके मध्य प्रदेश में और देखे, जब आता है तो एक रूट बना के आता है, इस पर भी हमने बहुत काम किए। तो मेरा ये जो प्लान था वो इनकम जनरेशन को लेकर के था, और उसके लिए मेरे पास सुटेबल माहौल था। वहाँ पर एक प्रेम सिंह थे, वो बहुत प्रोग्रेसिव फार्मिंग है, तो वो
जो है ये एग्री टूरिंग पे काम करते, उनके यहाँ हमेशा अंग्रेज पड़े रहते थे, उससे भी मुझे प्रोत्साहन मिला कि वो बादामी शहर के ही थोड़े से 3 किलोमीटर पे वो एग्री टूरिज्म पे उनका हमेशा उनके यहाँ अंग्रेज रहते, तो मेरे से मिलवाने लाते थे। और इसको प्रमोशन देने के लिए मैंने ये भी कहा था कि जो भी टूरिस्ट आएगा उसके साथ जिलाधिकारी चाय पिएंगे। मेरा मकसद ये था कि जब टूरिस्ट आएगा उसको ये पता रहेगा डीएम से मिलने को मिलेगा और चाय पीने को मिलेगा, तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। मैंने ये भी स्कीम चलाई थी कि अगर मैं रहूंगा तो मैं चाय पीऊंगा, अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये डीएम सीडीओ कोई कोई अधिकारी उन्हें चाय पिलाएगा। तो मैंने ऐसे बहुत कुछ सोचा और उस पर काम करने की कोशिश की और वो आइडिया ठीक था। तो डायनेमिक डीएम बुक में सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है? पानी का। पानी अब देश की नहीं, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और पानी पे ही कहा जाता अगला वर्ल्ड वार होगा, अगला वर्ल्ड वार ना हो, समस्या से जो परेशानी हो रही है, लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो ना हो, इसका हमने एक समाधान निकाल के दिया है। ये सामाजिक समस्या है, इसका हमने सामाजिक समाधान, ये समस्या आम जनता की है और इसका समाधान जब तक आम जनता मिलके नहीं करेगी इसका समाधान मेरे व्यक्तिगत विचार से मिलना संभव नहीं है। अगर ये सोचे समस्या ये सबकी है, आम जन की है, सरकार हल कर दे या कुछ लोग मिलके हल कर दे, तो जो मेरा अनुभव है जो मैंने फील्ड में करके देखा ये संभव नहीं है। थोड़ा बहुत तो कर देगा, पूरा नहीं होगा। इस देश के प्रत्येक आदमी को इस समस्या से लड़ना पड़ेगा, अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना पड़ेगा, अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, तो पानी की समस्या हल हो जाएगा। ये टेस्टेड ट्राइड वेरीफाइड फार्मूला बादा में हमने क्रिएट किया। तो प्रोग्रेस ऑफ फीमेल्स के बारे में भी आपने अपनी बुक्स में बात करी है, तो एक तो कौन कौन सी कैटेगरी आप देखते हैं जिसके अंदर फीमेल्स को और प्रोग्रेस करनी चाहिए और आपकी ओर से क्या क्या एफर्ट रहे? देखिए, महिलाओं के विकास के लिए हमने ये देखा कि जो महिलाएं ऑलरेडी कोई कोई घर में व्यापार कर रही, कोई सब्जी पैदा करके उसे बेच रही या घर में दुकान कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ऐसे महिलाओं का मैंने चयन किया। नॉलेज इज पावर, हमने उनको नॉलेज देने के लिए DRI चित्रकूट में मैंने ट्रेनिंग पे भेजा, एक्सलेंस सेंटर कन्नौज में भेजा, नेशनल विजिटेबल रिसर्च सेंटर बनारस भेजा। ये महिलाएं वहां गईं, रुकीं और सीख के आईं, तो उतने ही इनपुट उतने ही मेहनत से अगर उनका 100 रुपया प्रॉफिट था तो वो 150 हो गया, 200 हो गया, क्योंकि वो उन्होंने अपने बीज बदल लिए, उन्होंने अपने तरीके बदल लिए। तो मैंने इस तरह से महिलाओं के विकास में वृद्धि, महिलाओं के इनकम में वृद्धि करने का एक बहुत सिंपल तरीका निकाला और बहुत पॉपुलर हुआ था, महिलाओं ने बहुत पसंद किया। तो जब प्रवीण महेंद्र जी ने आपसे पहली बार बोला कि भाई आपको प्राइम मिनिस्टर प्राइस में नॉमिनेट होना चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या पहली चीज स्ट्राइक करी? एक्चुअली उनका जब मैसेज मुझे आया तो मैंने, क्योंकि देखिए मैं कोई काम प्राइज वराइज के लिए नहीं करता और ना मैं कुछ सोचता हूँ, काम है तो करना है और अगर उस काम से जनता का फायदा है तो मैं पूरी अपनी जी जान ताकत सब कुछ लगा दूंगा। मुझे मजा आता है चैलेंज लेकर के जनता की समस्या का समाधान, जो समाधान का मिलता है वही मेरा आउटकम। तो मैंने इग्नोर कर दिया, उन्होंने मैसेज किया कि जैसे है ये आप अप्लाई करिए, नहीं। फिर 15 दिन बाद आया तो मैंने उनका पढ़ा, फिर नहीं, मैंने थोड़ा इग्नोर। फिर जब उन्होंने तिबारा मुझे भेजा तो मैंने, मुझे लगा ये आदमी, तो मैंने उनसे फोन किया, हमने कहा कौन है पहले ये बताइए, तो आप मुझे जानते हैं? तो उन्होंने कहा सर जब आपने स्टार्टअप इनोवेशन किया था बांदा में 3 दिन का, तो मैं उसमें गया था और मैं एक प्रतिभागी था, मैंने वो आपका काम देखा है, मौके पर देखा है और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं लगातार तब से आपके सारे कार्यक्रम को देखता हूँ और आप जो है इसके लिए पात्र हैं, आप अप्लाई करिए। तो फिर मैंने उनसे कहा वो गाइडलाइन कहाँ, उसने मैंने गाइडलाइन बनाई और फिर गाइडलाइन हमारे जानने वाले हैं, मैंने क्योंकि वो इंग्लिश में था, उसकी पूरी फॉर्मेटिंग थी, वो टिपिकल था फॉर्मेट, इन्फॉर्मेशन जुटाना, फोटो देना, सबूत देना, तो इस तरह से ये बात बढ़ी। सर नॉमिनेशन अप्लाई करने में एक तो आपकी किसने किसने मदद करी और किस किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया? देखिए हमने 6 कैटेगरी में अप्लाई किया और एक मिस्टर सौरभ लाल हैं जो कि कंटेंट राइटर हैं, उनकी कंटेंट की
बहुत बढ़िया कंपनी है, बॉम्बे में थे तो लखनऊ के थे, वो एक दिन आए मुझसे मिलने इसी बीच में। तो मैंने उनसे ये बात बताई कि भैया ये फार्मेट मिला है और इस फार्मेट ये अंग्रेजी में है, इसको अप्लाई करना है और क्या है, उनकी अंग्रेजी यही वो करते हैं। तो उन्होंने कहा तो हो जाएगा, मैं कर दूंगा। तो हमने कहा करो। तो फिर हम लोग जो है उसमें कई कैटेगरी थे, गवर्नेंस का था, वाटर था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था। तो हम लोगों ने जो 6 कैटेगरी अप्लाई किए, फिर उस कैटेगरी के सबूत जुटाना, उस सभी कैटेगरी के वीडियो, उसमें बड़ा टिपिकल था कितने अवार्ड मिले क्या हुआ, वो 4 पेज का कम से कम 30-32 तरह के सबूत और इन्फॉर्मेशन थे। ये लगा हम लोगों को 2 महीने, और संयोग से वो उस पीरियड में भी, क्योंकि ये कोरोना का पीरियड था तो उसमें भी समय था, तो हम लोगों ने इसको मिलके फिर इन्फॉर्मेशन मंगाना, मैं बाधा से उन लोगों से बात करता था जो उस हमारे अभियान में, जैसे चुनाव वाला जो अप्लाई किया तो हमने चुनाव से उनसे मांगता था ये वीडियो भेजो, ये फोटो भेजो, ये अखबार की कतरन कुछ मेरे पास। तो मतलब वो इन 2 महीने लगे। तो जब नॉमिनेशन का प्रोसेस चल रहा था तो एक टाइम के बाद आपका नाम जो है उस लिस्ट से निकाल दिया, तो एक तो आपको कैसा लगा जब आपका नाम निकाला गया, दूसरी बात आपने क्या क्या एफर्ट्स किए कि आपका नाम वापस उस लिस्ट में नॉमिनेशन की आ जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, जब ये प्रोसेस चल रहा था तो पूरे बाधा को पता था, बाधा के सारे प्रतिनिधि को पता था कि बाधा का पानी वाला अवार्ड सेलेक्ट, पानी वाला काम सेलेक्ट हो गया है पीएम अवार्ड में और हम लोग नंबर 1 चल रहे हैं, पहले फेज में नंबर 1, दूसरे स्क्रीन में नंबर 1, तीसरे में नंबर 1, और हमारा नंबर बहुत हाईएस्ट था 100 में, ठीक है। हमें भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिलती रहती थी, जो हमारे सोर्सेज थे, हमारे कोई पुष्ट नहीं लेकिन पता लग जाता, और लोगों में एक जोश पैदा हो गया कि अच्छे काम की पहचान देश लेवल पे होगी। पीएम साहब तो बोल के आए ही थे और देश लेवल पे इस अवार्ड से भी बांदा का नाम पूरे देश में रोशन हुआ। जब ये नाम हटाया ना तो मैं अकेला नहीं, सारे के सारे लोग शॉक्ड थे। अगर हमारी कोई गलती कोई दिक्कत थी तो पहले ही फेज में आउट कर देते, आपने पहले फेज में स्क्रीनिंग में सेलेक्ट किया, फिर दूसरा टेस्ट लिया उसमें, तीसरा लिया उसमें, तो बहुत सभी लोग शॉक्ड थे और मैं भी बहुत शॉक्ड था, ठीक है। उसके बाद माननीय सांसद जी जो थे उन्होंने 5-6 सांसद विधायक से बात करके लिखी, मैंने हर स्तर पे रिक्वेस्ट भेजा, क्या कैबिनेट सेक्रेटरी सर को, वहाँ के जो सेक्रेटरी यार, मैं उनसे जाके मिला भी सब, मैं माननीय मंत्री जी से भी मिला जो है डीआरपी जी के, उनसे भी समय लेके मिला, सर ये है ये, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और मुझे ये भी कराया गया कि आप ये परसू कर रहे हैं, इसको परसू मत करिए, क्योंकि जिसकी गलती से हुआ था उनकी इमेज डाउन हो रही थी उन ऑफिशियल की, तो उन्होंने अपने यहाँ के बैचमेट से, तो आईएएस अफसर यहाँ के अपने बैचमेट से उन्होंने मैसेज कराया कि आप ये विड्रा कर लीजिए और आप ये सब मत करिए, अन्याय हो अब आप उसको सहन कर लीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपनी सोच में नहीं है, अच्छा काम करिए, और अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी एक अन्याय है। हम किसी से कुछ कहे थोड़े, तो अपना प्रत्यावेदन, हम तो अपना अनुरोध कर रहे थे कि ये है, अल्टीमेटली वो नाम जुड़ा नहीं लेकिन वो जुड़ने से ज्यादा काम हो गया। फिर उस साल का वही अवार्ड ही टल गया, नहीं अवार्ड डिक्लेयर नहीं किया गया। तो मॉडल गांव के बारे में भी आप बहुत चर्चा में रहे हैं, तो एक तो मॉडल गांव के बारे में कुछ बताइए, प्लस 3 स्तंभ के बारे में भी आपने बात करी कि ये 3 स्तंभ होते हैं मॉडल गांव में, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए जो बांदा में हमने काम किए और हर गांव में विकास, पानी हर गांव का बढ़ गया, हर गांव की इनकम 1.5 करोड़ प्रोडक्टिव के रूप में 18.5% बढ़ गया, ठीक है, 14% बढ़ गया, मतलब ये तो फिजिकल डेटा है। और जो लोगों की सोच बदली, जो लोगों के दिमाग का सॉफ्टवेयर बदल गया कि नहीं बांदा में सब कुछ हो सकता है, लोगों में जोश जो हमने पैदा कर दिया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं भाई, बस स्कूल की बिल्डिंग देख करके कहते हैं ये विकास हुआ, सबसे बढ़िया विकास तो सोच बदल दो वो होता है, वो
हमारे काम का वो सबसे बढ़िया रिजल्ट था जो दिखाई नहीं देता। तो ये जो सब विकास हुआ इसी को हम लोग केवल जिले में हुआ था, पूरे प्रदेश देश में टेक्नोलॉजी के सहारे लागू कर रहे हैं। ICCI फाउंडेशन हमें इसमें सपोर्ट करता है इस काम को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में चलाने से। इसके तीन स्तंभ हैं। पहला है विलेज मैनिफेस्टो, इससे हम गांव वालों को डिमांड फॉर डेवलपमेंट बताते हैं और क्रिएट करते हैं, विकास की भूख पैदा करते हैं गांव वालों में। दूसरा, हम लोग गांव में अच्छे लोगों को नॉलेज देके इम्पावर करके उन्हें चेंज मेकर बनाते हैं, जिससे वो लोग गांव के विकास को करें और गांव को चेंज करें। और तीसरा है गांव के एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए FPO बनवाते हैं और चलवाते हैं। गांव वाले मिलके FPO बनाएंगे और गांव वाले मिलके FPO चलाएंगे, जिससे कि गांव का खेती का घाटा मुनाफे में कन्वर्ट हो जाए। तो ये तीन स्तंभ। तो आपने अपने बुक में एक बेसिकली रूलिंग पार्टी MLA की फाइट के बारे में भी जिक्र किया और कैसे आपने अपने ऑफिसर्स को बचाया और रूलिंग पार्टी MLA के खिलाफ FIR दर्ज कराई। एक तो ये इंसिडेंस क्या था, दूसरी बात क्या क्या डिफिकल्टी आई जब आप एक रूलिंग पार्टी के MLA के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे। देखिए, हम आपको बताएं कि एक DC चल रही थी, उसमें हम SP साहब, DIG साहब सभी लोग थे। ये शाम के 5-6 बजे की घटना है। उसी बीच वो अधिकारी आए, सभी हम लोग तीनों लोग बैठे थे, अचानक आए वो और रोने लगे। हम लोगों ने उनसे पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि MLA साहब ने हमें बुलाया और मारा पीटा और पूरी घटना की बात नैरेट करी। तो ये बात, वो बहुत रोने लगे, मतलब वो अंदर से बहुत आहत थे, बहुत परेशान थे चुस्से साहब। और वो अधिकारी बड़ा मजबूत, बड़ा हिम्मती, और उसका नाम था हिम्मत में। तो जब वो, अच्छा, हम लोगों ने उनको कहा चलिए बैठिए, हमने स्टाफ से कहा इनको सांत्वना दो, पानी वानी पिलाओ। फिर वहीं हम तीनों लोगों ने ये डिसीजन लिया कि जब एक हिम्मती अधिकारी के साथ ऐसा हुआ, वो हिम्मत तोड़ गया, तो अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो कोई भी अधिकारी काम नहीं कर पाएगा। कि जब एक अच्छा अधिकारी, हिम्मती अधिकारी जो है, इस तरह से हथियार डाल दिया। तो फिर वही हम थे, DIG साहब, SP साहब, सबने कहा कि नहीं, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं हम लोगों ने एक सामूहिक निर्णय ले लिया कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इसमें कार्रवाई कराएंगे, वो कोई भी हो जिसने कानून हाथ में लिया कर। फिर इसको हर स्तर पे पूरी बात बताई गई और उन्हें समझाया गया, हर स्तर पे इसकी छानबीन हुई। और फाइनली जब ये सब कन्विंस हो गए कि नहीं, ये घटना अच्छी नहीं है, इसमें FIR होनी चाहिए, तो इसमें सारे स्तर, चाहे वो जिला स्तर चाहे मंडल स्तर, सारे स्तर कन्विंस थे कि ये घटना में कार्रवाई जरूरी है। और फिर सभी को एक साथ सामूहिक डिसीजन के साथ ही हमने कार्रवाई की थी। उसके बाद नेचुरल सी बात है कि जब आप किसी के खिलाफ FIR कर दोगे तो आपका वो विरोध करे। तो मेरा हर फोरम पे विरोध होता था, जहाँ भी लेक्चर करते थे वो मेरा विरोध करते थे, DM बेईमान है, बोरों में रुपया लेता है, खुले हम वीडियो में बोलते थे, मेरे पास हम वीडियो आता था। मुझे बुरा नहीं लगता था, मुझे पता था इसके अलावा और क्या बोलेंगे। जब मैंने FIR करवाई है तो ये तो मुझे सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, मैं कोई रिएक्शन नहीं करता था। तो डिसीजन लेना और सामूहिक सबको एक साथ लेके, संजोग की बात थी कि हम सारे अधिकारी, DIG, SP, हम तीनों एक, तो वहीं पहला डिसीजन तो वहीं कॉन्सेंसस हो गया। हम लोग एक घंटा डिस्कस किए कि ना करने क्या होगा, करने क्या होगा, क्या। तो फाइनली हुआ कि किया जाए। फिर क्योंकि ये घटना बड़ी थी और सभी तुरंत फ्लेयर हुआ हर जगह, सब जगह गया, तो सबका अल्टीमेटली यही हुआ कि FIR कराई गया। और हुआ, और मैं जब तक रहा मैं झेला, मैं मंचों से, जो भी मंच मिलता था और जहाँ बोलने का मौका मिलता था वहाँ वो बुराई होती थी, खड़यंत्र करते थे। नेचुरल सी बात है, कोई नई बात नहीं है, सब ये हमारे जिंदगी का पार्ट है और रूटीन है, वी आर यूज टू। तो जैसे कि ये आपकी पहली बुक थी, तो जब आप अपनी दूसरी बुक लिखना चालू करेंगे तो पहले बुक के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे आपके, क्या इफ एंड बट रही, जैसे आपने शुरू में बताया कि भाई मैंने एक राइटर भी हायर किया कि वो लिखे पर वो चला नहीं, तो क्या क्या चेंज दिखेगा राइटिंग पैटर्न में, एक्सपीरियंस में, जब आप नई बुक लिखना चालू करेंगे। देखिए, हम लोगों ने प्लान बनाया, दूसरा किताब लिखेंगे इस मॉडल का, ठीक है। अब वो किताब ऑलरेडी आधी लिख चुकी है, मतलब उसका हम लोगों ने पूछा ही नहीं, अब तो मुझे अनुभव है उसका
स्केलेटन कैसे बनेगा, उसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, हम लोगों के पास सब कुछ ऑलरेडी, मतलब क्योंकि पहले अनुभव नहीं था, अब तो वो सारे इंफॉर्मेशन ताजे हैं हम लोगों के पास है। तो अच्छा, दूसरी बात है कि अनुभव के बाद बहुत सी चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं और लगता ही नहीं अभी डिफिकल्ट है। किताब लिखने वाले प्रकाशक बहुत सारे लोग, जो उस समय कोई नहीं था, आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। दर्शक के रूप में जब भी कोई बंदा ये बुक पढ़ता है तो आपकी ओर से क्या टेक अवे होना चाहिए उसके लिए? उसको इस किताब से ये टेक अवे होना चाहिए कि हर व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है और कुछ भी कर सकता है, कहीं पहुंच सकता है। वो हमारा इतिहास है कि मिट्टी के मकान में मिट्टी का दिया जला रहा था मैं, है ना, मिट्टी के मकान में मिट्टी का दिया जला रहा था मैं, और मुश्किल भरी राह मगर चल रहा था। एक तो वो है, ये सीख देता। दूसरा कि वहां बहुत सारे जिलाधिकारी आए, मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने पानी बढ़ा दिया हो, किसी का जेल नंबर 1 हो गया हो, ये हो गया। तो बांदा जैसे प्रॉब्लमेटिक जिले में अगर मेरे जैसा देहाती प्राइमरी का पढ़ा कलेक्टर इतने सारे क्रिएट कर सकता है, और मैंने ये सारे काम करने में कहीं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगी प्रदेश सरकार के, जो हर डीएम को मिलता था वही हमें मिला, मैंने उसी में काम। तो टेक अवे ये होना चाहिए कि देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह। ये किताब इस बात को साबित करती है और सबको प्रेरित करती है। तो बचपन में सबसे फेवरेट बुक कौन सी थी आपकी? देखिए यार, कुछ ऐसा सच तो मैं, देखिए आपको बताऊं, मैं किताब उताब पढ़ने बड़ा शौकीन नहीं था और ना मैं किताब उताब बहुत पढ़ता था, है ना। तो मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मेरा मैथ बहुत तेज था। अब उस समय का जो मैथ, मतलब ऐसा सच कोई पिकुलियर बुक का नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैथ की किताबें मुझे अच्छी लगती थी, मैं उसी को बहुत लाइक करता था क्योंकि वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगते थे। तो आपने अपनी आईएएस की जर्नी तो एक लाइन में डिफाइन कर दी कि मट्टी का घर में मट्टी का दिया जला रहा था मैं और चले जा रहा था। तो अगर मैं बोलता हूं कि अपनी बुक्स को डिफाइन करो आप एक लाइन में, तो क्या डेफिनेशन रहेगी? देखिए, किताब पे लिखा हुआ है डायनेमिक डीएम, सहयोग से सुशासन, सुशासन से समृद्धि, ये है इसका एक लाइन में डेफिनेशन, ठीक है ना। ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन इसका डेफिनेशन है, सहयोग से सुशासन और सुशासन से समृद्धि। ये पीएम के लिए लागू, सीएम के लिए लागू, डीएम के लिए और हर घर के लिए लागू है। सहयोग से घर का सुशासन अच्छा करो और अच्छे सुशासन से घर की समृद्धि बढ़ाओ। तो वन लाइनर अगर आपको पूछना चाहते हैं, सहयोग से सुशासन, सुशासन से समृद्धि, इसका उत्तर है। तो आपकी जो बुक है, किसी को अगर ऑर्डर करनी है तो किस किस मीडियम से वो ऑर्डर कर सकता है? सबसे बढ़िया मीडियम जो मैंने अनुभव के आधार पर, अब लोग कोई फिजिकल कहीं दुकान पे जाके खरीदना नहीं चाहता, ये भी मैंने देखा, सब ऑनलाइन अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे ये उपलब्ध है, और वहां जा करके ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन आ रही है किताब, लोग बड़ा खुश होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए डायनेमिक डीएम की बुक के लिए। और मैं सारे दर्शकों से अपील करूंगा कि अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाके डायनेमिक डीएम को ऑर्डर करें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया, एक अच्छी किताब के बारे में आपने चर्चा की और बहुत अच्छी चर्चा की और बहुत गहराई से चर्चा की। इसके लिए मैं आपका और आपके पूरे प्रयास का और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। नमस्कार। नमस्ते।